मैंने सारा सामान एक जगह रख लिया है और थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट भी लिया इसका हुआ है, बहुत अच्छा हो, मैंने कभी पहले किया नहीं है। अभी जा रही हूँ फटाफट रेडी होने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग ऑफ तीज। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मेरा आज फास्ट है निर्जल तीज का, सो मैं उसके लिए रेडी होने जा रही हूँ। मेरा नाम शालिनी है और मैं पेरिस में रहती हूँ। सो मैंने ये सेलिब्रेशन पेरिस के ही घर में किया हुआ है तीज का। मैं अपने रूट्स को और अपने कल्चर को फॉलो करती हूँ यहाँ पर भी, जैसे मैं इंडिया में करती थी वैसे ही मैंने यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया हुआ है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों का फास्टिंग कैसे गया। मेरा तो अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, इस बार मुझे कोई हेडेक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, थोड़ा मैंने शूट किया हुआ है, मेकअप वगैरह जो मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की वो सब। अभी मैंने टोनर लगा लिया और सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर थोड़ा टोनर लगाया, उसके ऊपर मैं अभी लगाने जा रही हूँ अपना बीबी क्रीम। मैंने बहुत ज़्यादा ही बीबी क्रीम नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा ही लिया हुआ है, क्योंकि मेरे फेस पे फाउंडेशन और बीबी क्रीम ये सब बहुत ज़्यादा लगा लो ना तो बहुत वियर्ड लगने लगते हैं, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है। और उसे मैं हाथों से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है फेस पर। ये देखिए बहुत अच्छे से मर्ज हुआ है। अब मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। एक्चुअली मुझे लूज़ पाउडर लेना है बट अभी रह गया है, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं ज़रूर लूज़ पाउडर लेके आऊँगी। लूज़ पाउडर बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट, मुझे ऐसा अभी लगने लगा है। सो मैंने अभी कॉम्पैक्ट लगा लिया अपना, क्योंकि ताकि मेरा जो बीबी क्रीम लगाई हूँ वो सेट हो जाए प्रॉपरली। यहाँ पर मैं लिप बाम लगा रही हूँ क्योंकि होंठ थोड़े से ग्लॉसी रहे इसके वजह से। अभी मैं आई शेड अप्लाई करने जा रही हूँ। मैंने दो शेड डिसाइड किया, एक लाइट और एक डार्क, दोनों को मैं मर्ज करूँगी। मुझे आता नहीं है बट मैं थोड़ा बहुत ऐसे अगर मैंने प्रोडक्ट लिया है तो सोचती हूँ थोड़ा करके अपने ऊपर अपने हाथ को अच्छे से बिठा लूँ, तो मैंने कोशिश की हुई है और इस बार थोड़ा बेटर हुआ है एज़ कम्पेयर टू पहले जब भी मैंने किया, उससे आज थोड़ा बेटर था। सो अभी मैंने एक लाइट और एक डार्क कलर ऐसे लिया हुआ है, उससे मैंने मर्ज कर लिया। उसके बाद मैंने एक ब्राउन पेंसिल ली, एब्रो पेंसिल, उसको अप्लाई किया, बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया क्योंकि मेरे एब्रो ठीक ठाक है। इस बार तो बहुत अच्छा उन्होंने एब्रो बनाया था, कोई नया था उधर, मतलब वो पहले से ही है लेकिन आज मुझे फर्स्ट टाइम वो मिली और उन्होंने बहुत अच्छे से शेप दिया हुआ है मेरे एब्रो का। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई घर पर आने के बाद, मैंने ध्यान दिया तो वो इस बार बहुत प्रॉपर शेप दिया हुआ है और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैंने पैलेट से दूसरा ब्रश लिया और आईज़ के नीचे वाले लोअर आईज़ पे भी मैंने थोड़ा सा आई शेडो लगाया हुआ है। अभी मैंने ये वीडियोस में देखा हुआ था सो मैंने सोचा अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा लेके लाइट कलर। अब आ गई बारी आँखों को और सुंदर बनाने की और लाइनर लगाने की, और इस बार लाइनर एक बार में बहुत अच्छे से लग गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया और मस्कारा बहुत अच्छा है, ये मैक का है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, पलकें इतनी सुंदर लगने लगती हैं ये लगाने के बाद। एक और था मेरे पास, वो कलर सेंस का था बट वो अच्छा नहीं है, ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट है। लगाने के बाद पलके बहुत ऐसे मस्त, आई लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं लगती है, मैंने लोअर लैशेस में भी लगाया और मस्त आँख देखी कितना प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा अपोजिट में था इसके लिए आप लोगों को इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा है बट आँखें बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, मुझे ब्लश थोड़ा दूसरा लेना है अच्छा वाला बट क्योंकि मैं ये जब भी लगाती तब मुझे याद आता है नहीं मुझे दूसरा बाय करना है, लेकिन हर बार रह जाता है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो दो तीन चीज़ें हैं मैंने उसे नोट किया हुआ है और मुझे बाय भी करना है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा रही हूँ, हाइलाइट करने से ना फेस और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। सो आईब्रो के नीचे मैंने थोड़ा लगाया और अपने चीक्स पर लगाया हुआ है। और अब बारी आती है बिंदी लगाने की, क्योंकि विदाउट बिंदी तो फेस अच्छा ही नहीं लगता है। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो बिंदी बहुत ज़रूरी है, बिंदी और सिंदूर
अब और हमारे इधर ये येलो वाला सिंदूर लगाया जाता है। मैंने अपना सिंदूरा नहीं लाया है, अभी मैं जाऊंगी तो इस बार ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि ऐसे कुछ स्पेशल फंक्शन होता है तो उससे लगाना चाहिए। और मेरा सिंदूरा अभी तक भरा हुआ है क्योंकि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया उसमें से, लेकिन अब मैंने सोचा है पूजा पाठ कुछ भी रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इधर एक सुहागन औरत के लिए। सो इस बार मैं जाऊँगी तो उसे मैं ज़रूर लाऊँगी, और सिंदूर लगाने के बाद तो चेहरा अलग ही खिलने लगता है। और मैंने ये दो लिपस्टिक को मर्ज करके लगाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था कि बहुत ज़्यादा ये डार्क दिखे, सो मैंने पिंक लिया क्योंकि ग्रीन पे पिंक काफ़ी अच्छा उठ के आता है, और उसके ऊपर उसको थोड़ा लाइट करने के लिए लाइट शेड लगा लिया, और यहाँ पे मेरी बिंदी गिर गई है। सो अभी मैं जा रही हूँ अपना ज्वेलरी जो भी है मेरे पास वो सब पहनने के लिए। आर्टिफिशियल मेरे पास अभी एक ही दो सेट है, सो मैंने इसको ही वापस पहना, और ये मेरा प्यारा सा मंगलसूत्र जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत विश के बाद ये मुझे बनाने का मौका मिला था, सो मेरा फेवरेट है ये। फिर मैंने आज सोचा नहीं आज मैचिंग बिंदी लगाती हूँ, सो मैंने ग्रीन बिंदी लगाई। बताना आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं पूरा अपना हेयर स्टाइल वगैरह सब बना लिया, अब बारी है कान का पहनने का। ये मैंने पहले पहना, बाद में मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि बहुत हैवी लग रहा था। अब हैबिट छूट गई है ऐसे हैवी ईयरिंग्स पहनने का, सो मैंने बाद में निकाल के दूसरा वाला छोटा छोटा पहन लिया। और उसके बाद मैंने बैंगल का सेट वगैरह सब रेडी रखा था, फटाफट बैंगल्स वगैरह पहन ली, और लकीली मेरे पास मैचिंग में बैंगल्स थे ऑलरेडी, सो बहुत अच्छा था। सो मेरे पास बीच में ऐसे मैंने पिंक डाल लिया क्योंकि ग्रीन पे पिंक अच्छा लगता है। सो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था हाथ। फिर मैंने ये नथ पहना, बट ये नथ ना टिक नहीं रहा था क्योंकि ये बार बार निकल जा रहा था, सो मैंने इसको निकाल के रख दिया, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, एक मस्त सा लुक आ रहा था। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने आई हूँ कि मैं अपने पैरों में आलता लगाने आई हूँ, इसे महावर भी बोला जाता है। सो जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ होता है तो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो वैसे तो इसे हमारे यहाँ पे छूटने से पहले ही वापस से रंग लिया जाता है डेली बेसिस पर, बट यहाँ पे वो तो पॉसिबल नहीं है। बट मैंने सोचा इस बार मैं अपना कलर ज़रूर कलर करूँगी, आलता लगाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लेके आई हुई थी बट कहाँ रख दिया था, मिल नहीं रहा था पूजा के समय। सो मैंने अभी इसको ढूंढ के निकाला है, और अभी मैं अपना पैर रंग रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है आलता लगाने के बाद, और पूजा पाठ में तो बहुत ही ज़रूरी है ये, अगर हम सुहागन है तो इसे लगाना चाहिए। और ये मेरे गौरा पार्वती हैं, ये मैंने फर्स्ट तीज में इनको रखा हुआ था, सुपारी और गोबर जी की गौरी बनाई हुई थी। सो वो मैंने फर्स्ट तीज में जो रखा था उनको बना के उसे ही मैं डब्बे में करके अभी तक संभाल के रखी हूँ। और जब मुझे इंडिया से पेरिस आना था तो कुछ चीज़ें मैंने याद से लाई हुई थी, उसमें से ये भी था कि मुझे पूजा वगैरह करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और मैं अच्छे से अपने चीज़ों को कर पाऊँ, इसलिए कुछ चीज़ें मैं याद से लेके आई थी, जैसे गंगा जल हुआ, ये हुआ, क्योंकि पूजा पाठ में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये डब्बा देख रहे हो प्लास्टिक का रखा है, उसमें गंगा जल है।
पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है और मैं अपनी इच्छा अनुसार वैसे करती हूँ। यहाँ पे मैंने टिक्का वगैरह लगा दिया है भगवान जी को, गौरा पार्वती को, धरती माता को, सबको। और फिर मैं यहाँ पे श्रृंगार का सामान लाई थी, सो फल फ्रूट लाई थी, वो सब चढ़ा रही हूँ। आज के दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। सो मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने 7 चीज़ों का ऐसे बनाया था थाली, और वो मैंने चढ़ा दिया, और फल फ्रूट चढ़ा दिया, पुष्प अर्पित कर दिया। जो भी यहाँ पे सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, उनके अनुसार मैंने अपनी ये पूजा संपन्न की है। आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हैं। हर घर का अलग अलग रिवाज है, बट मैंने मेरी सासू माँ से ये सीखा है, जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें कैसे पूजा की जाती है। सो मैंने वैसे ही अपने भक्ति श्रद्धा के साथ पूजा की हुई है, और भगवान जी से क्षमा भी मांग लिया है, अगर कोई गलती हुई रहेगी तो माफ़ कर दीजिएगा। बट दिस इज न्यू पिक्चर एंड दैट इज ओल्ड पिक्चर। स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरे धानी धारा, ओम जय शिव ओंकार। मृग मद सोय भाले शशि धारी, ओम शिव ओंकार। कहाँ तोबा तोबा सुने आप? ओए कौन बोलता है? निवान। लेकिन कहाँ मिला था आपको? अनिका दीदी थी, वो लोग भी तोबा तोबा कर रहे थे। चलो अभी पहले सब लोग जय करो, पहले मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोग करो। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, वो सब शूट नहीं किया हुआ है। और आज मैं दिन भर उनके नाम से उनको बुला रही थी, क्योंकि हमारे में ऐसा है आज के दिन पति का नाम लेना चाहिए, उससे उनकी आयु बढ़ती है। सो मुझे बहुत ऑड लग रहा था, क्योंकि मैं कभी नाम लेती नहीं हूँ, तो मुझे वो हैबिट नहीं है। सो मुझे वो ईजी नहीं था मेरे लिए उनके नाम से उनको बुलाना। तो भी मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ भी काम हो तो मैं उनके नाम से उनको बुलाऊँ, बट बहुत ही फनी था वो, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो ले नहीं पा रही थी। बट बहुत ही अच्छे से मेरी पूजा पाठ वगैरह हो गया है। सभी को अगेन हैप्पी तीज। बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ये मैंने लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तब मैंने बाई किया हुआ था, और ये इस तीज के लिए ही मैंने बाई किया था। तीज या करवा चौथ में ऐसे पहनूंगी। सो अभी रखी हुई थी, सो मैंने ये एक और है, और ये थी, दो थी, तो मैंने ये वाला पहना। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी पूजा वगैरह हो गई। और मैं पानी आज नहीं पीती, मैं पानी कल पीती हूँ, कल मॉर्निंग में। सो अभी सब चेंज करूँगी और सोऊँगी। और थोड़ा मैंने खुद से मेकअप किया था, आईज मेकअप, आई डोंट नो कैसा लग रहा है। हल्का लाइट ही मेकअप किया, थोड़ा थोड़ा मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। ज़्यादा इसलिए दिख नहीं रहा क्योंकि ओवर अच्छा नहीं लगता है फिर। और आप लोग क्या तीज सेलिब्रेशन कैसे गया, प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ भैया,
चलो गाइस लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये साड़ी अच्छी लग रही है मेरे पे। हाँ, और बाप रे थैंक यू बिना बोले पप्पी देने के लिए थैंक यू। चलो ऐसा मैं करने की मैं आपको एक यहाँ पे दिया यहाँ पे दिया यहाँ पे और यहाँ पे और ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और यहाँ बाहर रह के मैं अपने कल्चर को बाकायदा फॉलो करती हूँ सारे विधि विधान के साथ। देखो मैंने पूजा की हुई है। आप लोगों को कैसे लगा ये सब प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और चलिए अभी ये ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। चेंज करने सो गया है। फटाफट निकाल देती हूँ सब कुछ। करना आसान होता है ये सब निकालना। मैं जब साड़ी पहन लेती हूँ ना फिर मुझे निकालने का मन बिल्कुल नहीं करता है। मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही पहन ही रहूँ, निकालूँ नहीं। पता नहीं अभी इस साड़ी का दोबारा नंबर कब आएगा। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा का जो सामान है सब हटाने और उसके बाद पूजा करके फिर पानी पीऊँगी। सो ये श्रृंगार का सामान और फल फ्रूट है ये सब प्रसाद देना है मेरे बाजू में ही। सब मेरा पारण वगैरह हो गया है और फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था हल्का हल्का, तो उसके लिए मैं थोड़ा सो गई। और मेरा फास्टिंग सब अच्छे से हो गया था कल। और मैं कैसी लग रही थी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस बार होल डे इनफैक्ट मैं बाहर भी थी बहुत समय तक, फिर भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे से मेरा पूजा पाठ वगैरह हो गया, मैं रेडी हो गई। वरना शाम के वक्त बहुत प्यास भी लगती है और उसके बाद हेडेक भी शुरू हो जाता है, बट इस बार कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी शायद पिछले 2-3 बार मैं ऑलरेडी फास्टिंग कर चुकी थी कुछ दिन पहले ही, सो मे बी उसके वजह से, क्योंकि मेरा गणेश चौथ का फास्ट था तभी भी नीरा जली था वो, फिर उसके बाद छठ आया उसमें भी कुछ नहीं खाना था, सो मे बी शायद उसके वजह से मेरा ये वाला फास्टिंग बहुत अच्छे से गया। और अभी है करवा चौथ, वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा मेरे लिए। वो क्यों रहेगा वो उस समय बताऊँगी। उफ। और ये वाला फास्टिंग सब अच्छे से हो गया। और प्लीज़ इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं दो भाग में मतलब दो पार्ट में इसको अपलोड कर रही हूँ, ये सेकेंड पार्ट है। और प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। और बस ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मेरा पारण वगैरह हो गया। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में चना, दो चना लेते हैं, भीगा हुआ चना, अपना काला चना, उसको लीलना होता है तो मैं पानी से दवाई की तरह खा लेती हूँ और उसके बाद उसका फिर चना का घुघरी वगैरह बना के फिर खाया जाता है। सो मैंने वही बनाया था, आलू चना का घुघरी जैसा, ऐसे ही बस लहसुन और मिर्ची से फ्राई कर दिया था और मस्त उसको खाई थी, तीखा तीखा अच्छा लग रहा था। और बस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा तीज का ब्लॉग। मेरा लुक कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल है मैंने वो ट्राई किया था। और आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय गाइज। बाय।